हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचआर डॉगल। तो गाइज, आज मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ जर्मन शेफर्ड की डाइट। आपको अमेरिकन बुली डॉग की डाइट भी दिखाई है और जर्मन शेफर्ड की आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये हम क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं 20 डेज से एंड क्या कुछ कर रहा हूँ। ये वीडियो स्किप मत करना, फुल वीडियो देखना गाइज। अगर आप भी अपने बच्चे को जर्मन शेफर्ड को ओनली ये जर्मन शेफर्ड की डाइट है गोलू मोलू करना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। मैं फुल्ली डाइट चार्ट बताऊँगा गाइज वीडियो में और बच्चों को देखते हुए दिखाऊंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो हम जर्मन शेफर्ड के बच्चों में मैं फीड यूज़ करता हूँ, रॉयल कैनन की फीड यूज़ करता हूँ गाइज। आपने पपीज़ को कौन सी डाइट देनी है, स्टार्टर, मदर, बेबी डॉग, आप देख सकते हो। जो जर्मन शेफर्ड में आपने यूज़ करनी है पपीज़ के लिए ये है। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आफ्टर 30 डेज एंड 35 डेज आप ये यूज़ कर सकते हो माइबियो। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसमें आप देख सकते हो अमीनो एसिड, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, टेस्टी फ्लेवर्ड, ओमेगा 3-6 है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये। जो माइबियो आप डॉग को खिलाओगे तो आपके डॉग के अंदर फुली शाइनिंग एंड बहुत कुछ आएगा। अब मैं आपको इनकी डाइट रेडी करके दिखाता हूँ। ये कर्ड है एंड ये दही है, आप देख सकते हो गाइज। और जो ये है ये रॉयल कैनन की फीड है, ये मैंने ग्राइंड कर रखी है, आप देख सकते हो। आप देखो आपके सामने है गाइस, ये मैं ऐसे बच्चों को भी आपके सामने दे के दिखाऊंगा। ये तीन बच्चों की डाइट मैं रेडी करता हूँ। पहले हमने फीड को ग्राइंड कर रखा है, ग्राइंड करके, क्योंकि पपी छोटे हैं इसलिए वो चबा नहीं पाते तो हम ग्राइंड करके देते हैं। और ये कर्ड है, ये कर्ड इसके अंदर ऐसे आपने मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा। आपके सामने है डाइट रेडी हो रही है, अमेरिकन बुली हैवी बोन शो क्वालिटी पपी, आप देख सकते हो गाइस। अभी पपी देखना कितने एक्साइटमेंट से खाएंगे। और इसी के बीच में हमने गाइस क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी माइबियो मिक्स करनी है। अगर आप इसके अंदर कर सकते हो इसके अंदर भी कर सकते हो, अलग से आप इंजेक्शन के अंदर भर के देना चाहते हो इंजेक्शन के अंदर भी भर के देख सकते हो। और आपके सामने ये डाइट, अभी देखना हमारे पपी इस मील को एंजॉय करेंगे। अभी मैं नॉर्मली डाइट दे रहा हूँ, पपी हैवी है, बड़ी है, इसी डाइट से अच्छे हो रहे हैं। और गर्मी भी गाइस बहुत हो रही है, हमने जो फीड के अंदर है कर्ड जरूर मिक्स करना है। अगर आप गाइस कर्ड मिक्स नहीं करोगे तो बच्चों को लूज मोशन हो सकते हैं एंड पेट खराब हो सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है। और माइबियो जो हमने यूज़ करनी है गाइस ओनली वन टाइम यूज़ करनी है, मैं मॉर्निंग में इनको दे चुका हूँ एंड ये इवनिंग की डाइट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना एचआर डॉगवल। तो गाइस अब आप देखना हम अपने पपीज़ को डाइट दे रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पपीज़ अपनी डाइट को इंजॉय कर रहे हैं, आपके सामने है। और पपी कोई भी हमारा ये नहीं है कि खा नहीं रहा हो, सारे पपीज़ खाते हैं, आपके सामने हैं, अच्छे से फुली फिनिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना एचआर डॉग वर्ल्ड चैनल को। अब हम अपने चैनल पे डेली व्लॉग भी डाला करेंगे, हम दिन में अपने डॉग्स के साथ क्या कर रहे हैं एंड इंजॉय। ये हमारे डिलीवरी बॉय ऑल ओवर इंडिया में जो डिलीवर करते हैं सोना भाई, और यही पपीज़ की केयर करते हैं। बाकी ये अपनी पर्सनल एक छोटी सी डाइट इनकी अपनी अलग है, वो भी देते हैं। और पपी का जो वेट है 4.5 किलो 5 किलो से कम नहीं है। और जो भी केयर करते हैं ये भाई साहब हमारे केयर करते हैं। आपके सामने है पपी, पूरे गोलू मोलू हैं। जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 जून का इनका डेट ऑफ बर्थ है, आपके सामने है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना एचआर डॉग वर्ल्ड।